भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा कश्मीर। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर के दौरे, मकबूजा कश्मीर के दौरे की तरफ उनका जाना। बल्कि इंडिया तो इस वक्त जो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो कश्मीर पहुंचे हैं और कश्मीर में उन्होंने एक रैली निकालनी और 20,000 करोड़ की वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है उसके लिए वहां पर पहुंचे। सर, आज हम आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो कश्मीर गए थे, लेकिन खुद अपने बयानात अमरीकी साजिश के बयानिए से शुरू होकर, जिसको पीजे कह रहे हैं सबूत नहीं मिलेंगे, चलें सबूत नहीं है, लेकिन हमारे इदारे जो कि बेहतरीन एजेंसीज हैं वो हमें ये बता रही हैं कि साजिश का कोई मामला नहीं है। राणा सनाउल्ला वजीर दाखिला आज कहते हैं कि कुरैशी साहब ने डिसाइफर हुए को जब पैराफ्रेज किया तो उसके अंदर मुदाखलत का लफ्ज ऐड किया। फवाद चौधरी साहब ये बयान देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की नाराजगी की वजह से हम आज हुकूमत में नहीं है, जिनसे गलती हुई वो अजाला करें, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। सर, हमें कहीं तो कंक्लूड करना है, हुआ क्या? अब इस वक्त काम चल रहा है वहां पे, बहुत बड़ा जो काम चल रहा है वो चिनाब ब्रिज का काम चल रहा है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है। जब से उन्होंने आजाद कश्मीर के हवाले से कवानीन बदले तो उसके बाद उनका पहला दौरा था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। सांबा में पीएम मोदी ने मंच पर पहुंचकर हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर लोगों का अभिवादन किया। यहां प्राइम मिनिस्टर ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मोदी सरकार में लोकतंत्र जम्मू कश्मीर की जड़ों तक पहुंच गया है। इस दौरान उन्होंने सांबा ग्राम सभा की जमकर तारीफ की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस नए कश्मीर में प्रगति के रास्ते अपनाने के लिए अपना योगदान देने की अपील की। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के जम्मू कश्मीर में पहुंचने और नए कश्मीर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने से पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, उनके दौरे मकबूजा कश्मीर और ये उनका मुतनाज़ा इलाके को वो उनके जो तब्दीली की थी उसके बाद उनका ये पहला दौरा था। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर के दौरे, मकबूजा कश्मीर के दौरे की तरफ उनका जाना, क्या कहते हैं बिरला साहब? जी हाँ, आज वो जब से उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से कवानीन बदले तो उसके बाद उनका पहला दौरा था। मोदी जी गए थे तो क्या कोई प्रोजेक्ट वगैरह थे, किस लिए गए थे? मोदी जी ने तो वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहाँ पर ओपन किए, अनाउंस किए। 20,000 करोड़ इंडियन रुपीज, सो दैट मींस इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीज ये करीब होगा ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज के प्रोजेक्ट्स जो है वो उन्होंने वहां पर कुछ तो ओपन किए, जैसे जो आपकी जो नई टनल है आपकी काजीगुंड जिसकी बनिहाल के बीच में, बनिहाल की जो पुरानी टनल है वो इससे करीब 1,000 फीट ऊपर है जो प्रेजेंट अभी जिसको इनॉग्रेट किया उन्होंने, तो वो विंटर्स में बार बार स्नो बाउंड हो जाती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ये जो है ये ऑल वेदर होगी, यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता है, होता भी है तो इतना लाइट होता है कि इसको आसानी से हटाया जा सके। तो अब जो कनेक्शन है वैली का, कश्मीर वैली का, वो ऑल वेदर हो गया है। रेलवे लाइन तो पहले से ही चालू है बनिहाल से, अब इस वक्त काम चल रहा है वहाँ पे, बहुत बड़ा जो काम चल रहा है वो चिनाब ब्रिज का काम चल रहा है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, और उस पर भी ये समझिए कि उसकी जो आर्च है वो कंप्लीट हो चुकी है। आर्च के ऊपर जो जितने भी पिलर्स लगाए जा रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, उस पर इस समय डेक पुशिंग का काम चल रहा है और वो करीब करीब आधा पूरा हो चुका है, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो पूरा कंप्लीट हो गया। और उसमें आप ये देखिए कि उसका जो 120 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है कटरा से लेके और बनिहाल का, और उसमें से करीब करीब 110 किलोमीटर जो है वो टनल्स में,
और सिर्फ 10-12 किलोमीटर टनल्स के बाहर है, और वो है जिसमें 4-5 स्टेशन भी बनेंगे। इट्स अ रिमार्केबल वर्क, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। बाकी ये जो ट्रेन है, ये रेलवे लाइन जो है वो कटरा वैष्णो देवी कटरा तक कंप्लीट हो चुकी है, बीच में 111 किलोमीटर बची है, फिर बनिहाल से लेके, जो बनिहाल जो है वो जम्मू साइड में है, वहां से लेके और बीच में 11 किलोमीटर की टनल है उसको लेके, और वहां से बारामूला तक रेल चल रही है, आज से नहीं करीब 10 साल से चल रही है, 10-11 साल से चल रही है। तो अभी इन्होंने ये टनल का इनॉग्रेशन किया, 2 बड़े बड़े डैम्स का इनॉग्रेशन किया, एक सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया, तो ये बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्होंने वहां पर किए। और बेसिकली थ्रस्ट इसके ऊपर था कि जो इकोनॉमिक वेलबींग है उस पर हम जम्मू कश्मीर को डालें, और जो पुरानी जो तमाशेबाजी है उसको पीछे छोड़ें, दैट वाज द थ्रस्ट। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन जो वहां पर जो बदमाशियां जो करते हैं और ISI का जो फुटप्रिंट है वहां पे, उसको तो बहुत कष्ट हुआ होगा, आई एम क्वाइट श्योर, मस्ट बी वेरी वेरी अनहैप्पी। सर टूरिज्म वगैरह की तरफ मेरे ख्याल जाना चाहेंगे, सारी कुछ चीजें जब आप इतना डेवलपमेंट करेंगे तो टूरिज्म का भी हमने सुना था कि टूरिस्ट भी जो है वीजा दिया जाएगा लोगों को और टूरिज्म की तरफ जाएगा कश्मीर। अच्छा तो सर मुझे ये बताइए कि कश्मीर का, जैसे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो वहां पे इतनी डेवलपमेंट की जा रही है, तो यकीनन टूरिज्म की तरफ फिर जाने का इरादा होगा कि वहां पे टूरिस्ट आए। एक बार हमने सुना भी था कि कुछ वीजा वगैरह भी दिए जाएंगे लोगों को जो यूरोपियन कंट्रीज से और दूसरी कंट्रीज से आना चाहें। यार टूरिज्म तो वैसे भी पिछले साल बहुत अच्छा टूरिज्म था, इस बार तो विंटर्स में रिकॉर्ड टूरिज्म था, अब तो वहां पे 12 महीने टूरिज्म होने लगा है, और इस बार भी ऐसी उम्मीद है कि बहुत अच्छा टूरिज्म जाएगा। दूसरी बात यह है कि टूरिज्म केवल अभी तक कश्मीर जाता था, जैसे जो स्पॉट्स जिस तरह से कश्मीर में है वैसे ही स्पॉट्स जो है वो जम्मू में भी है, तो अब वो जम्मू का भी टूरिज्म डेवलप करने की तरफ जोर दिया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात, वहाँ पर ऐसे वाटर स्पॉट्स हैं बहुत सारे, चूँकि वहाँ पर डैम्स हैं जम्मू में, नए डैम्स भी बन रहे हैं और भी चिनाब पे बहुत सारे डैम्स हैं, तो बहुत सारा वहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो गया है, कई सारी टनल्स बन गई, जो एक टनल तो अभी इनॉग्रेट हुई, दूसरी एक और बीच में जो पटनी टॉप वाला जो एक एरिया होता है, पता नहीं जम्मू से आप फैमिलियर हैं कि नहीं है, कि जब जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो एक करीब 2500 मीटर का एक पटनी टॉप आता है, तो वो पटनी टॉप को बाईपास करने के लिए भी वहाँ पे चिन्नानी नसीरी एक टनल बना दी गई है, वो करीब 9 किलोमीटर की टनल वो है। तो जो टाइम लगा करता था पहले 12 घंटे जम्मू से श्रीनगर, वो अब 6-7 घंटे में हो जाता है,